हेलो गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम WsCube। आज हम देखेंगे कि हम इमेज गैलरी को कैसे ऐड करते हैं वर्डप्रेस के अंदर। हम इमेज को ऐड करेंगे, एज ए गैलरी बनाएंगे। हम क्या करेंगे, एक पेज बनाएंगे, उस पेज में हम मल्टीपल इमेजेस ऐड करेंगे। देखिए, मल्टीपल इमेजेस ऐड करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, दो ऑप्शन है। एक आप प्लगइन का यूज कर सकते हैं और एक विदाउट प्लगइन कर सकते हैं। हम दोनों प्रोसेस देखेंगे। पहले हम देखेंगे विदाउट प्लगइन कैसे हम गैलरी बनाते हैं, और दूसरा देखेंगे कि हम प्लगइन का यूज करके कैसे गैलरी बनाते हैं। प्लगइन का यूज करेंगे तो थोड़ा और अट्रैक्टिव गैलरी बनेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारी वेबसाइट है। हम क्या करते हैं, एक गैलरी का पेज बना देते हैं। गैलरी का पेज, हम पेजेस में जाके क्या करते हैं, एक पेज क्रिएट कर देते हैं। देखिए, यहां से मैंने गैलरी नाम का पेज क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। क्रिएट करने के बाद अब आप जाएंगे कंटेंट, जहां पे हम कंटेंट ऐड करते हैं। देखिए, कंटेंट ऐड करने में ही आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप मल्टीपल इमेजेस क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। देखिए, यहां पे दिखा रहा है वो, देखिए आप नोटिस करिएगा, ऐड इमेज, और यहां पे दिखा रहा है ऐड गैलरी। देखिए, तो हम यहां पे क्या करते हैं, गैलरी को ऐड कर लेते हैं। यहां से क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये मीडिया पूछ रहा है कि मीडिया लाइब्रेरी से करना है या अपलोड करना है। तो आप अपलोड करके भी कर सकते हैं और मीडिया से भी कर सकते हैं। तो मैं यहां से मीडिया लाइब्रेरी ओपन करता हूं और यहां से मैं ये इमेजेस क्या कर लेता हूं, सेलेक्ट कर लेता हूं। मान लीजिए, देखिए, अगर आप सिंगल करते हैं तो केवल एक ही इमेज ऐड करने का ऑप्शन देगा। अगर आप ऐड गैलरी करते हैं तो मल्टीपल आप इमेजेस क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहां से क्रिएट एन गैलरी कर दीजिए, इंसर्ट गैलरी कर दीजिए। करने के बाद देखिए, ये यहां पे बन गया है, आपके सामने आ रहा है। देखिए, ये डिजाइन ये अपने अकॉर्डिंग दे रहा है। अब जब हम प्लगइन यूज करेंगे तो प्लगइन में ऑप्शन होगा कि हम कितने दिखाएंगे, एक लाइन में इमेजेस, दो दिखाने, तीन दिखाने, वो हम प्लगइन में कर सकते हैं। मगर ये अपने अकॉर्डिंग दे रहा है। और आप यहां से क्या कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। देखिए, पब्लिश करने के बाद मैं इसको क्या कर देता हूं, मेन्यू में ऐड कर देता हूं। अपीयरेंस में जाके मेन्यूज में मैं क्या करता हूं, यहां से गैलरी को ऐड टू मेन्यू कर देता हूं और यहां से सेव कर देता हूं। अब सेव करने के बाद मैं वेबसाइट को जाके क्या करूंगा, रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश करने के बाद एक पेज आपके सामने आ जाएगा, गैलरी। जब आप गैलरी पे क्लिक करेंगे तो वो इमेजेस आपको दिखेंगी। देखिए, ये इमेज गैलरी का ऑप्शन जो मिल रहा है, ये हमें एडिटर प्रोवाइड करा रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, पेज बनाते समय आप गैलरी भी ऐड कर सकते हैं, कंटेंट के बीच में भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए हम प्लगइन का यूज करके गैलरी ऐड करते हैं। देखिए, प्लगइन का यूज करके गैलरी कैसे ऐड होगा, मैं बता देता हूं। देखिए, हम जाएंगे गूगल पे और लिखेंगे लाइट बॉक्स वर्डप्रेस प्लगइन। देखिए, लाइट बॉक्स क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। लाइट बॉक्स में होगा क्या कि जब आप इमेज पे क्लिक करेंगे तो इमेज क्या होगी, आपके सामने जूम होके आ जाएगी। तो हम देखिए, गैलरी भी हो जाएगा और साथ में आपके पास एक इफेक्ट भी मिल जाएगा इमेज का। जब आप इमेज पे क्लिक करते हैं तो वो क्या हो जाती है, जूम हो जाती है। तो गैलरी विथ लाइट बॉक्स प्लगइन है ये। देखिए, तो यहाँ पे देखिए आपके सामने लिखा हुआ रहा, रिस्पॉन्सिव लाइट बॉक्स एंड गैलरी। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। आप यहां से भी डाउनलोड करके क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और एक्टिव कर सकते हैं, या आप अंदर डैशबोर्ड से भी कर सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, डैशबोर्ड से करते हैं। तो मैं यहां पे जाता हूं डैशबोर्ड में और प्लगइन का ऑप्शन है, और यहां से आप ऐड न्यू कर दीजिए। ध्यान रखिएगा गाइस कि अगर आप प्लगइन आप डैशबोर्ड से कर रहे हैं इंस्टॉल या एक्टिव कर रहे हैं तो आपके सिस्टम में नेट होना चाहिए। मैं यहां से उस प्लगइन को क्या कर देता हूं, सर्च कर लेता हूं। देखिए, सर्च करने पे सबसे पहले ही आ गया है रिस्पॉन्सिव लाइट बॉक्स एंड गैलरी। अब आप यहां से इसको क्या करिए, इंस्टॉल करिए। देखिए, इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। यहां से आप इसको क्या कर दीजिए, एक्टिव कर दीजिए। देखिए, एक्टिव करने के बाद यहां पे आपके सामने आ गया रिस्पॉन्सिव लाइट बॉक्स एंड गैलरी। ये दो प्लगइन वो क्या करता है, वर्डप्रेस ऑटो देता है आपके पास जब भी आप वर्डप्रेस को क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और एक्टिव करते हैं। तो यहां पे मेरे पास मिल गया है रिस्पॉन्सिव लाइट बॉक्स एंड गैलरी प्लगइन। अब देखिए, पहले हम गैलरी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और फिर हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे। देखिए, यहां पे आपके पास दिख रहा है, देखिए गैलरी और लाइट बॉक्स। आप क्या करिए, गैलरी में यहां से ऐड गैलरी कर दीजिए। देखिए, ऐड गैलरी करने के बाद ये पूछ रहा है कि आप गैलरी का क्या टाइटल रखना चाहते हैं। हम कुछ भी रख सकते हैं, तो मैंने यहां पे रखा गैलरी, कुछ भी आप रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गैलरी। और यहां आप उससे पूछ रहा है मीडिया से आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप यहां से सेलेक्ट कर दीजिए इमेज। मैं क्या करता हूं, यही इमेज यहां पे क्या कर देता हूं, सेलेक्ट कर देता हूं। देखिए, या और भी इमेजेस आप क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, और यूज दीज इमेज पे आप क्लिक करिए। और यहां से आप बताइए सेटिंग्स, देखिए कन्फिगर कर दीजिए क्या करना है। अगर आपको कुछ चेंजेस करने, बेसिक स्लाइडर चाहिए तो बेसिक स्लाइडर, बेसिक मशीनरी चाहिए तो मशीनरी इफेक्ट ले सकते हैं। ये सारे इफेक्ट्स बने हुए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। मगर हमें क्या करना है, कॉलम को चेंज करना है, तो हम यहाँ से कॉलम क्या कर देते हैं, 4। तो एक रो में कितने आएंगे आपके पास, 4 इमेजेस आएंगी। और यहां से आप इसको क्या कर दीजिए, पब्लिश कर दीजिए। पब्लिश करने के बाद अब ये जो गैलरी है, हम इसको यूज कैसे करेंगे गैलरी वाले पेज पे, क्योंकि ये तो गैलरी एक अलग से गैलरी का पूरा प्रोसेस बना हुआ है जहां पे आप गैलरी क्या करते हैं, ऐड करते हैं। मगर हमने तो एक पेज बनाया था गैलरी का, वहां पे हम इस गैलरी वाले प्रोसेस को क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो जब भी आप किसी प्लगइन के अंदर कोई भी चीज आप करते हैं, जैसे मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, गैलरी ऐड कर रहा हूं,
और कुछ और भी प्लगइन्स हम करेंगे आगे उसमें, जैसे मैं स्लाइडर का प्लगइन अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, योस्ट का प्लगइन बताऊंगा, उनका भी यूज होगा। तो प्लगइन्स आपको क्या करता है, शॉर्ट कोड देता है। तो जैसे मैंने ये गैलरी ऐड की है तो इस गैलरी का शॉर्ट कोड है, देखिए शॉर्ट कोड कहां पे आता है, देखिए इसी पैनल में आपके दिख रहा है, यहां पे देखिए गैलरी कोड, ये आप गैलरी का कोड एडिटर में जाइए और पेस्ट कर दीजिए। और जिस भी एडिटर में जाके आप पेस्ट करेंगे, मान लिया जाए मैं ये गैलरी गैलरी वाले पेज पे जरूरी नहीं है, मैं अबाउट अस पे भी लगा सकता हूँ, होम पे भी लगा सकता हूँ, किसी पोस्ट के अंदर भी लगा सकता हूँ। जो आपने इमेजेस यहाँ पे सेलेक्ट की हैं, ये सारी इमेजेस किसी के अंदर भी आ सकती है। और आप इस जो ये आपने गैलरी ऐड की है, आप इसको मल्टीपल टाइम भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते, मल्टीपल टाइम ऐड करने का मतलब मल्टीपल पेजेस पे भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। या तो आप ये प्रोसेस, अगर किसी को पीएचपी का कोड आता है तो वो पीएचपी के कोड के थ्रू भी क्या कर सकता है, डिस्प्ले कर सकता है। मगर अपन तो सारा काम कहां से कर रहे हैं, डैशबोर्ड से कर रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, इस कोड को कॉपी करेंगे, यहां से कॉपी करने के बाद हम जाएंगे पेजेस में, पेजेस में जाके अबाउट अस पे ही इसको क्या कर रहा हूं, डिस्प्ले कर रहा हूं। तो ये अबाउट अस का पेज है और यहां पे आप क्या करिए, शॉर्ट कोड को पेस्ट कर दीजिए और यहां से आप इसको अपडेट कर दीजिए। तो अगर आप कोई नया भी आप यहां से ऐड करेंगे, यहां से नई कोई ऐड गैलरी करेंगे या, तो उसका भी एक शॉर्ट कोड बनेगा, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, या इसी शॉर्ट कोड को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। बस यही होगा कि यही इमेज हर जगह आपकी क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। यहां से अपडेट कर दिया, अब आप जाएंगे कहां पे, अपने अबाउट वाले पेज पे, देखिए यहां पे। और जब आप अबाउट वाले पेज पे जाएंगे और डिस्प्ले करेंगे तो देखिए आपके सामने क्या हो रहा है, चार इमेज डिस्प्ले हो रही है और यहाँ पे एक दो तीन चार। अब जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये इमेज क्या होगी, जूम होगी। तो यही जूम वाला जो इफेक्ट है, इसी को हम क्या कहते हैं, लाइट बॉक्स कहते हैं। तो आपने देखिए गैलरी भी ऐड कर दिया और लाइट बॉक्स भी लगा दिया, और यहां से जब आप क्रॉस करेंगे तो ये बंद भी हो जाएगा, आप किसी पे भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन भी आ रहा है कि आप नेक्स्ट वाली इमेज को भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये देखिए एक गैलरी है, गैलरी के साथ में लाइट बॉक्स है और एक सिंपल सा स्लाइडर है कि स्लाइड होके आप इमेजेस को क्या कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। और एक चीज और बता देता हूं गाइस, आप देख रहे हैं कि अबाउट अस पेज पे पूरे पेज पे डेटा आ रहा है, यहाँ पे साइड बार नहीं आ रहा। तो मैं आपको बता देता हूं कि अबाउट अस पेज में मैंने नीचे के साइड इसका लेआउट चेंज किया है। लेआउट कहां से चेंज किया है, यहाँ पे लेआउट के ऑप्शन है, ये थीम प्रोवाइड करा रहा है, वो कह रहा है कि डिफॉल्ट चाहिए, राइट साइड बार चाहिए, लेफ्ट साइड बार चाहिए, फुल विड्थ। तो मैंने यहाँ से फुल विड्थ सेलेक्ट किया, तो ये फुल विड्थ में आपकी इमेजेस क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है। तो आपने गैलरी ऐड कर ली, गैलरी डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं और प्लगइन का यूज करके भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।